ये आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा इंजीर जो है ना इसने पकड़ लिया है। तो ये ऐसा एक नहीं है इंजीर है ना, वो पकड़े हुए हैं इसने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका भाई एम खान वर्दक और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है ना खैर खैरियत से होंगे और हम भी जो है ना बहुत मज़े से हैं। तो दोस्तों जिस तरह आप लोगों को पता है ना कि अभी आगे जो सीज़न आ रहा है ना वो है तरबूज वाला, और हमने जो है ना तरबूज काश की है, लेकिन अभी सर्दी जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है और सर्दी की वजह से जो है ना वो अब निकलते नहीं है। बहुत ज़्यादा दिन हो गई, तकरीबन 20 दिन जो है ना हो गई जो हमने उसका बीज जो है ना काश किया था। तो क्या है ना वो अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से जो है ना वो निकलती नहीं है यार, बहुत मुश्किल का सामना हो रहा है। तो बात ये कह रहा था कि अगर आपने कभी तरबूज काश करनी है ना तो ठंडी की मौसम में जो है ना उसको काश ना करें, क्योंकि आप जो है ना फिर परेशान हो जाएंगे हमारी तरह। हम जो है ना अभी बहुत परेशानी के साथ जो है ना सामना हुआ है हमारा, क्योंकि वो बीज निकलते नहीं है और पानी जो है ना हम डेली चलाते हैं, तो पानी के ऊपर जो है ना खर्च आता है ना, ऐसा फ्री में तो नहीं चलाते ना। मैं बात ये कह रहा था कि अगर आपने तरबूज काश करनी है ना तो सर्दी में काश ना करें, थोड़ा गर्मी का इंतज़ार करें ताकि मौसम जो है ना थोड़ा गर्म हो जाए, तो फिर आप अगर काश करते हैं तो वो बहुत जल्द जो है ना वो निकल जाएंगे और जल्दी जल्दी जो है ना वो बढ़ जाएंगे। और मैं सुबह जो है ना अपने खेत में गया था ना तो बहुत घूम लिया, लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं था, इसलिए मैं ये बात आप लोगों से जो है ना शेयर करना चाहता था। तो अभी तो सुबह हो गई है, आगे क्या होता है, सारा दिन जो है ना हमने काम करना है। वैसे हम आज एक और खेत में खाद भी डालेंगे तो उसको भी दिखाता हूँ। सही है, जी मैं इसका इंतज़ार कर रहा था ना कि वो अपनी जगह पहुंच गया, और मैं जो है ना अभी इसको जो है ना बंद करूंगा, तो इधर मैं खड़ा था इसका इंतज़ार कर रहा था ताकि वो अपनी जगह जो है ना पहुंच जाए। तो वो अभी पहुंच गया है और अभी जो है ना सुबह के 8 बजे हैं। मैं इसको अभी बंद करेगा ना तो मैं कल ये चलाऊँगा, आज इसका जो मैं छुट्टी करूँगा। सही है, चलो उसको बंद कर देते हैं। तो जी रशाश को जो है ना हमने बंद किया, इंजन जो है ना हमने बंद किया, और अभी मैं जो है ना वापस जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। तो वैसे मैं सुबह का निकला हुआ हूँ ना, तो अभी जाऊँगा थोड़ा नाश्ता शाश्ता करूँगा और फिर बाद में जो है ना मैं आपके साथ मिलेगा। सही है जी, सुबह का जो मैं मकीना बंद किया था ना तो वो तो आज मैं नहीं चलाऊँगा, आज मैं इस वाले को जो है ना स्टार्ट करूँगा। ये कल हमने चलाया था, फिर सुबह जो है ना इसके ऊपर हम काट डाल रहे थे लेकिन वो भी नहीं डाला, कहीं और दिन डालेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना कीड़ा शीड़ा बहुत ज़्यादा था ना, वजह से जो है ना आज हमने खाद नहीं लगाया, फिर किसी दिन लगाएंगे। पहले जो है ना कीड़ा वाला हमारा कीड़ा जो स्प्रे होता है, दवाई होता है, वो डालेंगे, फिर जो है ना काटा नहीं। तो अभी जो है ना ये मैं थोड़ा इधर लेके आया था, ये जो बरसीम काटा है ना इसके ऊपर ये कड़ा था, तो अब मैं थोड़ा इसको उस तरफ जो है ना लेके जाता हूँ, कटा हुआ बरसीम है ना, इससे जो है ना थोड़ा आगे हो जाए, फिर मैं पानी चलाऊंगा। और सारे जो है ना हमारे सारे जो है ना बंद, सर्दी है ना, सर्दी में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से जो है ना ये वाला बस चलाऊंगा और फिर जाऊंगा रूम पे, थोड़ा रेस्ट करूंगा। वैसे सुबह से जो है ना हम रूम पे थे, काम नहीं था, अभी जो है ना रूम से निकल गया हूँ, तकरीबन 2 बजे है, तो 2 बजे इसको स्टार्ट करूँगा ना, तो सुबह 8 बजे या 9 बजे तक जो है ना ये चलेगा और फिर जो है ना मैं इसको देखते हैं क्या होता है। सही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मकीना तो मैंने स्टार्ट किया है और अब मैं जो है ना बाहर आ चुका हूँ, और इसको जो है ना ये जो पानी गिर रहा है ना इसको मैं उधर से देख रहा था कि इसमें जो ये एक वाला है ना ये बंद था, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है ना पानी नहीं आ रहा है, तो उसकी खोलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या वजह है। तो सबसे पहले ये वाल जो है ना ये बंद करेंगे और फिर इसको जो है ना इधर से खोलेंगे और देखेंगे कि क्या खराबी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अंदर जो है ना एक बड़ा जो है ना चीज फंस गया है इसमें, तो इसको जो है ना हम इसे निकालेंगे, यार निकलना भी मुश्किल है इसका। तो ये देखो जी निकल गया, इतना बड़ा चीज जो है ना इसके अंदर जो है ना फंस गया था, अब मेरे कैमरा जो है ना दिखाई नहीं देगा तुम। चलो वो वापस जो है ना अपनी जगह लगाते हैं, पानी मेरे ऊपर आ रहा है यार, क्या मुश्किल मुसीबत है, इसको लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मुझे एक हाथ से काम करना मुश्किल होता है, फिर भी लगा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको स्टार्ट करते हैं, तो अभी चालू हो गया, ये देखो फिर सारी तो मैंने चेक किया था, ये एक जो है ना बंद था, तो इसको जो है ना हम स्टार्ट किया, तो
अब मैं चलता हूँ रूम की तरफ और फिर जो है ना मगरिब को निकलूंगा इसको देखने के लिए, तो चलते हैं। सही है जी, वो जो लास्ट वाला रशाश मैंने स्टार्ट किया था ना, उसके बाद मैं जो है ना उसको देखने के लिए नहीं गया हूँ, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों के साथ मैं जो अपना इंजीर वाला बाग है ना उसकी थोड़ी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कितने बड़े बड़े दाने जो है ना उसने पकड़ लिए हैं। ये आप लोग देख सके हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा इंजीर जो है ना इसने पकड़ लिया है। तो ये ऐसा एक नहीं है, बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं जो सारा पौधा है ना, आप लोग देख सकते हैं कि बड़े बड़े इंजीर है ना वो पकड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं स्पेशल। तो ऐसे ये बहुत मीठी भी है यार, मैं थोड़ा खा लेता हूँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत मीठी है। तो ये मेरा तीन वाला बाग है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पौधे हैं। ये भी आप लोग देख सकते हैं, अभी सही तरह नहीं पके हैं, थोड़े कच्चे हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, मीठी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। हमको दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।